मकान मालिक डॉक्टर अहमद ने लगाई फर्जी पत्रकार अतीउल्लाह के फर्जी वाड़े पर मुहर। क्या कहा ठग अतीउल्लाह के फर्जी वाड़े पर, सुनिए। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। दो से तीन दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी फर्जी वाड़े की, कथित अपने आप को एक पत्रकार बोलने वाला फर्जी व्यक्ति, कभी समाज सेवक, कभी सामाजिक संस्था चलाना, किसी का काम करके देता हूं कहकर पैसे ऐंठना, खुद को कभी कभी पुलिस अधिकारी भी बताना, क्राइम ब्रांच का अधिकारी भी बताना, पैसे या जमीनों के मकानों के मामला किसी के अपने हाथ में लेने के लिए। तो ऐसा अतीउल्लाह मतीउल्लाह खान, गलती से हमने पिछली न्यूज में इसका सरनेम सिद्दीकी बता दिया था, लेकिन असल नाम फर्जी पत्रकार अतीउल्लाह मतीउल्लाह खान है। तो अतीउल्लाह खान ने यास्मीन शेख नाम की महिला को कैसे कौसा चरनी पाड़ा पापा का नागा के पास हलीम अपार्टमेंट में, किसी और का मकान अपना बता करके उसके फर्जी कागजात बना करके 3,90,000 रुपए इस यास्मीन शेख नाम की महिला से ले लिए थे। यास्मीन शेख ने इसकी शिकायत पुलिस में की है और अब यास्मीन शेख 138 के तहत चेक बाउंस का केस करने की कोशिशों में लगी हुई है अतीउल्लाह के खिलाफ। वहीं इस हलीम अपार्टमेंट के जिस फ्लैट को लेकर के विवाद चल रहा है, उसके असल मालिक कुरला में रहते हैं डॉक्टर अहमद। डॉक्टर अहमद पिछले 4-5 दिनों से लगातार इस मामले में मुमरा पुलिस स्टेशन आ रहे एपीआई संपत चौहान से उनकी लगातार बात हो रही है। किस तरह से ये मकान किसका है और फर्जीवाड़ा अतीउल्लाह खुद को पत्रकार बता करके कैसे कर रहा है, ये डॉक्टर अहमद की जबानी हम आपको बता रहे हैं कि क्या इस पूरे मामले का खुलासा डॉक्टर अहमद ने किया है, किस तरह से फर्जीवाड़े का रैकेट ये फर्जी पत्रकार अतीउल्लाह चलाता है, सुनिए डॉक्टर अहमद की जुबानी। क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर अहमद नाम है भाई। अहमद भाई, आपका कुछ रूम को लेके मसला चल रहा है, आप मुमरा पुलिस स्टेशन आए हो, क्या पूरा मामला है? मेरा रूम था, अम्मी के नाम से था मेरा रूम। क्या नाम है आपकी अम्मी का? अम्मी का आयशा अली अजहर। अच्छा, तो मेरा रूम था ये हलीमा अपार्टमेंट 304। अच्छा, अयाज गुलबार उसके बिल्डर है। हम लोग ने 2018 में रूम खरीदा था, उसके बाद बीच में बारूदी नहीं था, हम लोग ने ताला मार के रखा हुआ था। तो ये कोई पत्रकार है अतीउल्लाह बैतुल्लाह खान करके, उसने उसका कुछ शॉर्ट डॉक्यूमेंट बना है, उसको कहाँ से लिंक लगी और वो ताला तोड़ के उसमें किसी लेडीज़ को हैवी पे ले दिया है और वही रूम किसी और एक दूसरे लेडीज़ को उसने, जो मैंने आपके चैनल पे देखा यास्मीन नाम करके है, उनको 9,25,000 में उसने सेल कर रहा था। तो यास्मीन ने मुझे फ़ोन भी किया था, तो मैंने उनको सारी बातें बताई और बिल्डर के पास भेजा। बिल्डर ने बताया कि ये रूम इनका है, मेरा उन्होंने बताया, और ये ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ, फ्रॉड कुछ डॉक्यूमेंट बना रहा है। तो ये कब खरीदा आपने? मैं 2018 में खरीदा था। कितने में खरीदा था? मैं रूम 11,00,000 में लिया था। अच्छा, तो वो कैसे मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, किस तरीके से? हम लोग चौकी में आए, वही उनको पुलिस ने फोन भी किया, उसने फोन नहीं उठाया, आ नहीं रहा है चौकी में। हम लोगों ने एंसी डाला हुआ है, अब वो आया अपना डॉक्यूमेंट शो करे कहाँ से बनाया, क्योंकि मैं तो फर्स्ट पार्टी हूँ, मैंने अभी तक किसी को सेल नहीं किया है, वो थर्ड पार्टी बन के कहाँ से आया, सेकेंड पार्टी इसमें कौन है क्या है, वो पुलिस पूरा इंक्वायरी करेगी क्या है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। संपत चौहान सर, उनके अंदर मामला है, उन्होंने बोला है, बोले कि मंडे के दिन बुलाए हैं, बिल्डर का भी स्टेटमेंट लेंगे और हम लोग से बात की है, उन्होंने बोले कि उनको बुलाता हूँ, नहीं आएगा तो फिर आगे कार्रवाई करेंगे। नहीं, अतीउल्लाह का ऐसा दावा है कि वो घर जो है वो उसी के नाम पर है, उसी का घर है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखो, फ्रॉड है, उन लोगों का पूरी गैंग है, पूरी रैकेट चलाते हैं वो सब, फ्रॉड काम उनका है। अब वो आएगा शो करेगा चौकी में, डॉक्यूमेंट जब तक नहीं शो करेगा किसने क्या बनाया है, तब तक हम लोगों को पता भी नहीं क्या बनाया है। मेरा जो डॉक्यूमेंट था मैंने सब चौकी में सबमिट कर दिया, टैक्स स्टेटमेंट मेरे अम्मी के नाम पे है, बिल्डर का एग्रीमेंट मेरे अम्मी के नाम पे, सेल एग्रीमेंट और जो हम लोग बिल्डर को जो मेंटेनेंस भरते हैं वो मेरी अम्मी के नाम पे, तो उसने क्या किया है, कहाँ से किया है, जो भी है फ्रॉड में जहाँ से भी लिंक है सारे लोग ऐसे ले जाएंगे। अच्छा, मतलब घर आपका है प्रॉपर? बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्डर की एनओसी वगैरह सब मेरे पास ही है, मेरे नाम पे है। बिल्डर खुद स्टेटमेंट आके चौकी में दिया, उसको फिर मंडे बुलाया, बिल्डर आके खुद बताएगा। अच्छा, तो आप क्या आश्वासन मिला आपको पुलिस की तरफ से? मिला, बोले मंडे के दिन बुलाएंगे, देखते हैं क्या होता है। काफी दिनों से, जहाँ तक मेरे को पता है कि 4-5 दिनों से आपको रोज बुलाया जा रहा है कि आज आइए कल आइए ऐसा करके, तो क्या बोले? लीगल प्रोसीजर है, देखते हैं लीगल अब वो किस तरह से क्या करते, नहीं होगा तो बात करेंगे कुछ और आगे कार्रवाई क्या है, हम लोग करेंगे कार्रवाई करूँगी। आप मैं छोड़ूंगा तो नहीं भाई, क्योंकि मैं इतना परेशान होकर आ रहा हूँ, मैं अपना दवा खाना। आप कहाँ रहते हो? मैं कुरला में रहता हूँ भाई। कुरला में रहते हो? अच्छा, तो इसको क्या लग रहा है कि कोई भी है ऐसा लल्लू पंजू उठा के हम लोग कर देंगे, अब वो हल्के में ले रहा है, अब उसको नहीं पता है कि अब घुसेंगे तो अच्छे से निकालेंगे उसको।
कानूनी कार्रवाई करूंगा मैं, उसको पूरे घर की गति दूंगा भाई, क्योंकि उसको पूरी फैमिली उसमें जाएगी, जो जो इन्वॉल्व है सबको मैं गति दूंगा, मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसको क्या लग रहा है फ्रॉड है, अपने आप को पत्रकार बता के सारी चीजें कर रहा है, और वो पत्रकार है भी कि नहीं है वो भी शक के दायरे है, मेरे को तो फर्जी लग रहा है, वो फर्जी पत्रकार है, बिल्कुल फ्रॉड लग रहा है, जिस तरह से काम कर रहा है बिल्कुल फ्रॉड है वो। अभी जब इसका ये पोल खुलेगा उसकी सारी पोल मैं खोलूंगा, अभी तो मैं सारी जो भी चिट्टा काला मैंने बना के रखा हुआ है, अभी आगे क्या क्या होने वाला है देखते हैं। अगर उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो आगे सबमिट करे चौकी में, पुलिस से बात क्यों रहा है, फोन नहीं उठा रहा है, मैंने भी कॉल किया उसको पुलिस स्टेशन से, मेरा भी कॉल नहीं उठाया, पुलिस वालों का भी कॉल नहीं उठा रहा है, तो भाग क्यों रहा है वो, चोर है वो तो कंफर्म है। अगर चोर नहीं होता तो मुमरा पुलिस स्टेशन आना चाहिए था, वो सबमिट करता ना, वो आगे सारी चीजें दिखाता, वो पुलिस फोन करी पुलिस के फोन नहीं उठा रहा है, वो जो यास्मीन शेख है वो फोन लगा रही है उसका भी फोन नहीं उठा रहा है, मैं फोन कर रहा हूँ मेरा भी नहीं। वो यास्मीन शेख का लेडीज का ऐसा कहना है कि हमें उल्टी धमकी दे रहा है, जहाँ नहीं देता पैसा जो करना है कर ले, ऐसा धमकी भी दे रहा है ऐसा हमें पता चला। वो धमकी उनकी ये सब बोलने की बात है, वो जब आएगा रडार में आएगा ना तो सारी उसकी एकड़ी भूल जाएगी, अभी कितना धमकी बाहर है, अभी चोर रहता है ना वो चोरी पकड़ी जाती है तो सारी हथकंडे अपनाता है, जब चोर रडार में आएगा तो सारी चीजें कबूलेगा, वो सारी चीजें देगा, उसकी भी परिवार है बच्चे हैं बीवी हैं वो लोग भरेंगे आके, इन्वॉल्व होंगे ना सारे लोग, सारी चीज़ें भर के देगा, उसको क्या लग रहा है कि मैं ही हूँ, अरे सारी चीज़ें हैं, हर कोई फैमिली वाला होता है, कहीं ना कहीं उसकी वीक पॉइंट होती है, घर वाले आके जब आएंगे चौकी में पूरे घर वाले तो भरेंगे, उसको क्या लग रहा है हल्के में कर रहा है वो लेडीज बेचारी आके परेशान हो रही है, घर परिवार छोड़ के हो जा रहे हैं, हम लोग वहाँ से आ रहे हैं परेशान हो रहे हैं, इस परेशानी के काल में इतना जल्दी थोड़ी उन लोगों को छोड़ने दूंगा, कुछ ना कुछ तो करूँगा।